प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट ये हमने कर लिए थे 1 2 3 4 शायद ये सब कर लिए थे हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक शायद कर लिए थे 11th में डाउट 12th में डाउट 12th कितने लोगों का हो गया ठीक है मैक्सिमम हाइट की रेशियो निकालनी है क्वेश्चन नंबर 13th में डाउट 13th क्लियर है कितनों का हो गया सर हो गया ठीक है अच्छा फिर इसका आंसर दें अगर ये क्लियर है सॉल्व करें क्वेश्चन क्वेश्चन है कि सपोज एक प्रोजेक्टाइल है एक प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ठीक है ये मैंने इसको प्रोजेक्ट किया क्वेश्चन है कि जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर ऊपर जाएगा तो किसी इंस्टेंट पर देखो हर इंस्टेंट पर अगर मैं यहां पर वेलोसिटी ड्रॉ करूं तो वेलोसिटी क्या होगी टेंजेंट होगी ना वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है टेंजेंशियल होती है टेंजेंशियल होती है ऐसे और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी स्ट्रेट हो जाती है तो हॉरिजॉन्टल के साथ अभी इस प्रोजेक्टाइल ने एंगल क्या बनाया 30 डिग्री और टॉप मोस्ट पॉइंट पर एंगल क्या हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री 30 कम होते 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 0 हो गया सपोज करो कोई टाइम टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे या सपोज करो कितने टाइम पे क्वेश्चन है कितने टाइम के बाद मैं टाइम देता ही नहीं टाइम पूछता हूं इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ये एंगल मैं चेंज कर रहा हूं एक मिनट ये लो 45 डिग्री ये लो 45 डिग्री और ये लो 30 डिग्री कितने समय के बाद ये वेलोसिटी वेक्टर एंगल 30 डिग्री बना देगी करो सॉल्व टाइम निकालना है वेलोसिटी वेक्टर अपना एंगल क्या कर रही है चेंज कर रही है डिक्रीज 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 तो कभी ना कभी तो जीरो हुआ होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर उससे पहले 30 भी तो होगा 45 40 करते करते 30 तो कितने समय के बाद 30 हुआ ये बताने देखो मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर दो मेथड डिस्कस करते हैं आप मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं मेथड मुझे बताओ रूल नंबर 1 इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब प्रोजेक्ट किया गया था कितनी है 60 इनटू कॉस ऑफ 45 वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 60 इनटू साइन ऑफ 45 किया सबने ऐसे जब ये यहां पर आ गया तो इसकी वेलोसिटी वी हो गई
मुझे पता नहीं क्या होगी क्योंकि ऊपर जाने में वेलोसिटी तो कम होती है, तो v हो गई, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, v इंटू कॉस ऑफ 30, और वर्टिकल क्या हो गई, v इंटू साइन ऑफ 30। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? एक चीज कभी चेंज नहीं होती प्रोजेक्टाइल की, और वो क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी है। अब सबको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होती तो इन्हें इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेट करके आपके पास क्या आ जाएगा, v की वैल्यू। तो v आ गया, जो भी आएगा यहां से v कैलकुलेट कर लोगे कितना आ रहा है, v कितना आ रहा है। चलो जितना भी आ रहा है v निकाल लोगे, मानते हो जितना भी आ रहा है v निकाल लोगे, ठीक है। चलो v निकाल लिया, अब ये बताओ अगर v निकाल लिया यहां पुट करके वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लोगे, वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लोगे। अब ये बताओ यहां से यहां अगर y एक्सिस में मैं अपनी इक्वेशन लगाऊं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लूंगा, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लूंगा कितनी, 60 इंटू साइन ऑफ 45, इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी क्या लूंगा, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यहां से यहां में क्या आएगी, v इंटू साइन ऑफ 30। आपने कहा वर्टिकल वेलोसिटी v पुट करके निकाल ही लेंगे, तो इनिशियल पता है फाइनल पता है, ऊपर जाने में एक्सेलरेशन की जगह माइनस g, तो y एक्सिस में ये इक्वेशन अप्लाई करें, फाइनल वेलोसिटी की जगह v इंटू साइन ऑफ 30, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 60 इंटू साइन ऑफ 45, एक्सेलरेशन की जगह -10 इंटू t, सॉल्व करके टी आंसर। आंसर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मेथड समझ में आया, मेथड क्लियर है कि कैसे सोचना है इसमें, क्योंकि मैंने अपने मन से क्वेश्चन में आया तो आंसर कुछ भी आ सकता है, पर पॉइंट समझ में आ रहा है कि करना कैसे है। कोई बात नहीं, मेथड क्लियर है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है, इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर पता है क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है एंगल 1.5 सेकंड पे वेलोसिटी ने जो बनाया। अब इस क्वेश्चन में जिन्होंने नहीं किया वो समझ लें कि आपको ये गिवन है, तो आपने इसमें टाइम ऑफ, अब आपको तो पता नहीं कि 1.5 सेकंड पे प्रोजेक्टाइल कहाँ पे होगा, आपने टाइम ऑफ असेंट निकाल लें। टाइम ऑफ असेंट का मतलब यहाँ पे पहुँचने का टाइम, जो कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है 1.5, इसका मतलब बॉडी कहाँ पर पाई जाएगी, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का एंगल क्या बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, हमेशा जीरो। तो आंसर क्या होगा इसमें, जीरो। चलो ट्राई करना 14th क्वेश्चन, कितने लोगों को डाउट है, कितनों का हो गया 14th? क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 5%। देखो मैक्सिमम हाइट इंक्रीज बाय 5% का मतलब परसेंटेज चेंज इन हाइट। मान लो पहले हाइट h थी, अब नई हाइट h डैश हो गई, तो इंक्रीज कितनी हो गई, h डैश माइनस h, और ओरिजिनल हाइट कितनी है h, तो ये क्या आ गई फ्रैक्शनल चेंज इन हाइट इंटू क्या 100, तो ये क्या आ गया डेल्टा h by h into 100, तो ये क्या आ गया परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट। कैसे लिखेंगे समझ में आ रहा है, तो ये आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, कितने परसेंट गिवन है 5%, राइट। जैसे क्वेश्चन में है कि परसेंटेज इंक्रीज इन रेंज इज 2%, तो क्या लिखेंगे चेंज इन रेंज ओरिजिनल रेंज इंटू 100, कितने परसेंट है 2%। तो लिखना आ गया सबको कि परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट को कैसे लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन रेंज को कैसे लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 5%, यानी कि डेल्टा एच बाय एच इंटू 100 इज इक्वल टू कितना 5%। कीपिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉन्स्टेंट थीटा कॉन्स्टेंट व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या निकालना है डेल्टा आर बाय आर इंटू 100।
क्लियर है, ये आपको निकालना है, ठीक। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, तो इसके अंदर ये मैक्सिमम हाइट, रेंज का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, साइन टू थीटा क्या है, टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो प्रॉब्लम में क्या गिवन है, मैक्सिमम हाइट का परसेंटेज चेंज गिवन है, रेंज का निकालना है। मेरे को कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं पता जिसमें हाइट और रेंज आपस में इंटरकनेक्टेड हो। मुझे हाइट का अलग गिवन है, रेंज का अलग गिवन है, एक काम करो दोनों फॉर्मूला लिखो, हाइट का लिख दिया, रेंज का लिख दिया, सबसे पहले इन्हें डिवाइड करो, डिवाइड करके क्या होगा, एच अपॉन आर, ये अपॉन ये। इससे डिवाइड करने से ये फायदा होगा कि वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन, और ये सब कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस क्या रहेगा, टेन, और टू इंटू टू फोर, बस। तो हाइट और रेंज का रिलेशन आ गया। इसमें आपको पता है कि ये और ये तो कॉन्स्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहे, तो इसकी जगह कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, तो हाइट इज सम कॉन्स्टेंट इंटू रेंज। क्या स्टेप क्लियर है, तो मैंने पहले एक रिलेशन निकाला जिसमें हाइट और रेंज आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है वो निकाल लिया, कैसे, दोनों का फॉर्मूला लिखो, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, कर दिया। अब एरर आता है सबको, एरर्स सबने कर लिया, एक्सपोनेंट का रूल लगाओ, इसकी पावर क्या है, वन, डेल्टा एच बाई एच फ्रैक्शनल चेंज, इसकी पावर क्या है, वन, कॉन्स्टेंट एरर होता ही नहीं है, तो डेल्टा आर बाय आर, हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट कितने के बने, 5%, परसेंटेज चेंज इन रेंज निकालनी, आंसर इज 5%, डन, आंसर, कोई मैथ मूथ नहीं है, सीधा डन, ठीक। क्या ये बात समझ में आ रही है कि कैसे परसेंटेज का रिलेशन निकालना है, चलो फिर करके देखते हैं, फिर आप करना। जैसे अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 10%, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच बाय एच इंटू 100 इज 10%, Keeping the angle of projection constant, theta constant, what is percentage increase in time of flight? क्या निकालना है? Delta T by T into 100. अब मेरे को ऐसा formula नहीं पता जिसमें height और time of flight इकट्ठे आते हो। बना लो, height का formula लिखो, time of flight का formula लिखो, divide कर दो। एक मिनट, divide करने में problem है। क्या problem है? V square से V कटेगा नहीं पूरी तरीके से। तो एक काम करो, इस equation को पहले squaring कर दो। Squaring करेंगे तो ये V square 4 साइन स्क्वायर जी स्क्वायर, अब इसको और इसको डिवाइड कर दो, एच और टी स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, जी से जी, साइन स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, जी डिवाइडेड बाय 8, विच इज अगेन अ कॉन्स्टेंट। तो फिर से रिलेशन आ गया, एच इज सम कॉन्स्टेंट ऑफ टी स्क्वायर, लगाओ एरर का रूल, इसकी पावर एच की 1 है, इसकी 2 है, डेल्टा एच बाय एच 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी, ये करो, ये नहीं देखना, ये डेल्टा एच बाई एच 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको ये निकालना है डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, आपको परसेंटेज हाइट में क्या गिवन है, 10%, 10% को 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया, 5%, आंसर एक मिनट में, कोई नहीं मैथ लगा इसमें, सीधा एरर का रूल लगाया। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कैसे ये ट्रिक समझ में आ रही है, ऑनलाइन क्लियर है, ठीक है, यस सर। कभी भी परसेंटेज एक का गिवन है और दूसरे का निकालना है, ये मेथड लगा दो किसी भी चैप्टर में। एक बात याद रखना, ये मेथड अप्रोक्सीमेट मेथड है, इससे एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं आते, मैथ की क्लास में जाके ये कभी नहीं लगाना, मैंने नहीं बताया आपको, बस फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में लगाया, मैथ का कोई रूल नहीं से लेना देना, राइट। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, एक मिनट, वो बात अलग है फिजिक्स के, ठीक। जैसे क्वेश्चन है, इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू मैक्सिमम हाइट। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट डबल किया, मैक्सिमम हाइट का क्या होगा, देखो एक प्रॉब्लम है, पहले आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का, रिलेशन निकालो, रिलेशन निकालना सिखा दिया, पहले हाइट लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट को स्क्वेयर करो, डिवाइड करो, ये रिलेशन बन गया। तो ये रिलेशन को यहाँ लिख दिया, अब आपको पता है कि इसकी रेशियो कॉन्स्टेंट है, अगर मैं कैपिटल डी को डबल करूंगा तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा, तो न्यूमिनेटर को भी 4 टाइम करना पड़ेगा ताकि आंसर रिमेंस सेम, तो आंसर 4 टाइम्स, राइट, क्लियर है, हो गया था ये, कितना हो गया था ये, हो गया था। अब ये क्वेश्चन करना प्लीज, परसेंटेज वाला सेम तरीका है, ट्राई करना क्या आंसर है, देखो
डन। ठीक है, क्या क्वेश्चन? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इंक्रीज बाय 2%, क्या गिवन है? डेल्टा वी बाय वी इनटू 100। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन मैक्सिमम हाइट? देखो इसमें तो फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है, वेलोसिटी और हाइट का फॉर्मूला पता ही है। तो चेंज क्या हो रहा है? हाइट और वेलोसिटी बाकी सब कांस्टेंट लेने को कह रहे हैं, कांस्टेंट लिख लो, लगाओ रूल, डेल्टा एच बाई एच 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी, 100 से मल्टीप्लाई, ये निकालना है आपको। और परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी कितने की बने? 2%, 2% टू 2 इज 4%। आंसर 1 मिनट में आंसर है, ठीक है यहाँ तक? तो क्या रूल लगेगा समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट, 18। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी सेम आसान क्वेश्चन है, वही एरोप्लेन वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट शीट नंबर 11, शीट नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, वही विंडो वाला प्रॉब्लम है, सेम किया हुआ है हमने शीट में। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, कितनों का हो गया? 2 हो गया था, हो गया। मैं ना ये डिस्कस करना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, मुझे पता नहीं आपने क्या अप्लाई किया। एक तो बहुत आसान तरीका है, एक थोड़ा जिस तरीके से स्टूडेंट सोचता है वैसा तरीका है। पहला तरीका, छोटा तरीका, आपको क्वेश्चन में गिवन है एक टावर है 70 मीटर का, एक बॉल को 50 मीटर पर सेकंड टॉप ऑफ द टावर से, ग्राउंड से नहीं, 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो टावर से यहां जाके बॉल गिरी। तो जब इसको घेरा गया, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? 50 cos 30, और वर्टिकल क्या है? 50 sin 30, और हाइट क्या है इसकी? 70। कितने समय में ये नीचे गिरा, ये क्वेश्चन है। तो आपको अगर याद हो, मोशन चैप्टर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट किया था, क्या किया था? ये टावर है जिसमें एक बार बॉल को नीचे गिरा, एक बार ड्रॉप किया, और एक बार ऊपर गिरा, टाइम निकल, 3 केस थे जिसमें साइन कन्वेंशन सिखाई थी। एक क्वेश्चन था वो अजीब सी साइन कन्वेंशन की, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, ऐसा सिखाया था। तो क्या सिखाया था कि अगर हम बॉल को ऐसे गिरते हैं, टाइम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, नीचे की डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव, और ऊपर की नेगेटिव। सेम रूल यहाँ पे लगेगा। तो इसमें अगर हम वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो वाई एक्सिस में सिंपली इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? वर्टिकल वेलोसिटी है 50 इंटू साइन ऑफ 30, यही है। तो ये बॉल यहाँ से यहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी, और ये हाइट क्या कवर करेगी? 70। देखो हॉरिजॉन्टल का इसमें कोई काम ही नहीं, क्यों? y एक्सिस में ग्रेविटी काम कर रही है, तो y एक्सिस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है मुझे लेना देना ही नहीं है। तो y एक्सिस में आई विल अप्लाई व्हाट? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इनटू 80 स्क्वायर। तो नीचे की डायरेक्शन को क्या लेंगे? पॉजिटिव, तो 70, ऊपर की वेलोसिटी को नेगेटिव, माइनस 50 इनटू साइन ऑफ 30 इनटू t प्लस हाफ इनटू नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव 10 इनटू t स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बनने की टाइम में सॉल्व करके 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। पर ये मेथड लोगों को पसंद भी नहीं आता, और साइन कन्वेंशन इरिटेट भी करती है, तो इसलिए लोग इसको अप्लाई थोड़ा कम करते हैं। ऐसा अप्लाई करते हैं ज्यादा लोग, वो क्या करते हैं? मेथड 2 अप्लाई करेंगे। क्या कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा कंफर्टेबल है। कैसे? प्रोजेक्टाइल को गिरा, यहां गिरा, पहले वो इतनी जर्नी का टाइम निकालेंगे t1, फिर वो इतनी जर्नी का टाइम निकालेंगे t2, और दोनों को ऐड कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जर्नी का टाइम तो इजीली निकल ही जाएगा, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2v sin 30 by g आंसर, सिंपल, आधा टाइम तो आ ही गया। अब रह गया कौन सा टाइम? t2। t2 टाइम में एक रूल किया था, अगर प्रोजेक्टाइल को 50 से घेरा तो इस एंड पर भी वेलोसिटी 50 होती है, हॉरिजॉन्टल सेम होता है, वर्टिकल भी यहां पर सेम रहती है, शॉर्टकट करवाया था, सेम वेलोसिटी यहां पर, जो डायग्राम यहां पर वही डायग्राम यहां बनता है, राइट? ये रूल था प्रोजेक्टाइल का कि अगर वेलोसिटी 50 तो ये भी 50, हॉरिजॉन्टल सेम, वर्टिकल भी इस पॉइंट पर क्या रहता है? सेम। क्या पॉइंट क्लियर है? ये शॉर्टकट समझ में आ रहा है? तो y एक्सिस में यहां से यहां इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 50 sin 30। हाइट कवर्ड कितनी है? 70। तब अप्लाई करो, 70 इज ut, मतलब 50 sin 30 में sin 30 हाफ है, ut प्लस हाफ 80 t2 निकालो क्वाड्रेटिक से, t2 आ गया, t1 आ गया, दोनों को ऐड करके टोटल टाइम आ जाएगा। वैसे वो ज्यादा आसान था मेथड, छोटा था, पर कोई बात नहीं, ये कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर इक्वेशन कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये समझ पा रहे हो आप चीज के? ठीक है यहां तक? तो जिससे मर्जी ट्राई कर लो, एक ही बात है। थर्ड क्वेश्चन, कितने को डाउट है थर्ड में? कितनों का हो गया सर? डाउट है। रेंज आर ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम जब हाइट h1 h2 है।
देखो रेंज सेम कब होती है, जब एंगल थीटा या 90 माइनस थीटा होता है, तो रेंज सेम होती है, तो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, जब एंगल थीटा है तो हाइट क्या है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, जब 90 माइनस थीटा है तो हाइट क्या है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई टू जी, ये रहा एच वन एच टू आ गया। चार ऑप्शन देखो, सब में एच वन एच टू यूज हो रहा है, तो एक काम करो पहले एच वन एच टू को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन देख रहे हो, इस इक्वेशन में यूज हो रहा है साइन और कॉस, अंडर रूट ले लो, अंडर रूट लोगे तो रूट एच वन एच टू सब अंडर रूट हो जाएगा, साइन कॉस दिख रहे हैं तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दो, ताकि टू साइन कॉस क्या होगा साइन ऑफ टू थीटा, अब वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी क्या है आर, आंसर आंसर आ गया। अगर ये क्लिक नहीं करता कोई बात नहीं, एच वन एच टू आ गया, अब यहां पुट कर ले, रेंज पुट कर ले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पुट करें, अगर ऑप्शन लेफ्ट और राइट मैच कर गया ए ऑप्शन है, नहीं किया बी, नहीं किया सी, नहीं किया डी, ट्राई करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको आर पता है, आपको एच वन पता है, आपको एच टू पता है, आपकी मर्जी जैसे मर्जी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर नहीं करना, फाइव, फिफ्थ क्वेश्चन में ये गलत सॉल्यूशन है, वो कह रहे हैं कितने लोगों का हो गया वैसे फिफ्थ ये, तो एक प्रोजेक्टाइल ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पर, हाइट क्या होती है एच एम, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बोलो क्या होगी, एम जी इंटू एच एम, एम जी एच, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, जी से जी कैंसल, आंसर ए ऑप्शन आ गया, चेक करो। ठीक है यहां तक आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स आसान है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ करवाना चाहता हूं, कितनों को डाउट है, सेवेंथ हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन में जब भी प्रोजेक्टाइल में आपको इक्वेशन वाई और एक्स की फॉर्म में गिवन हो, समझो इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री दे रहा है, चेक करो वाई और एक्स की, एक ही क्वेश्चन हमें पता है इक्वेशन ऑफ, ये गिवन है और हमने याद की थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक्स टैन थीटा और ये थी। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट मतलब कंपेयर करें, एक्स एक्स इसका कोफिशियंट इसके कोफिशियंट के इक्वल होगा, तो टैन थीटा क्या आएगा रूट थ्री, तो थीटा क्या आएगा टेन इनवर्स रूट थ्री, या तो लिख दो 60 डिग्री या लिखो टेन इनवर्स रूट थ्री आंसर। तो ये समझ में आना चाहिए कि अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में गिवन है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज होने वाली है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, और ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल का मतलब 2D, ऑब्लीक स्टैंड फॉर 2D, प्रोजेक्टाइल हमेशा ऑब्लीक होता है। नेक्स्ट है, एक स्टोन टू स्टोन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं सेम स्पीड के साथ लेकिन डिफरेंट एंगल्स के साथ, रेंजेस आर इक्वल, अगर एक को फेंका जा रहा है एट एंगल ऑफ पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री का मतलब 60 डिग्री, तो दूसरे को फेंका जाएगा एंगल ऑफ 30 डिग्री, रेंज सेम रहती है, अगर एंगल थीटा है 90 माइनस थीटा रहता है, किया था तो एक एंगल अगर 60 है तो दूसरा 30 है, तो हाइट निकाल लें एक 60 डिग्री पे एक 30 डिग्री पे, फिर करें हाइट की रेशियो क्या होगी डिवाइड करके हाइट की रेशियो आ गई, डन। ठीक, कितनों का हो गया था ये, हो गया ये क्वेश्चन हो गया, हो गया। डाउट है, देखो इस क्वेश्चन में एक बॉडी है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, टॉप ऑफ द टावर हाइट h है और वो x डिस्टेंस पे नीचे जाके गिरी, केस नंबर वन। केस नंबर टू, बॉडी का मास लिया 2m, पहली बात तो प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में मास मैटर नहीं करता, चलो 2m है, कहां से गिरा 2 हाइट, कहां गिरी 2x पे, क्या सेकंड केस में वेलोसिटी क्या होगी फिर ये बता दो, पहले केस में v गिवन है दूसरे केस में v नहीं गिवन, एक काम करो इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको आता क्या है, एक y एक्सिस की इक्वेशन एक x इक्वेशन, y एक्सिस में लगाओ h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, x में लगाओ vt, ये देखो तो फर्स्ट बॉडी के लिए h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, x इज इक्वल टू vt, तो टाइम की वैल्यू यहां पुट करो इक्वेशन नंबर वन, कर दिया। केस नंबर टू में h क्या कर दिया डबल, x क्या कर दिया डबल, वेलोसिटी निकालनी है डिवाइड कर लो h से h, g से g, x से x कैंसिल, v डैश आएगा इन टर्म्स ऑफ v आंसर। तो कैसे सॉल्व करना है कुछ समझ में आ रहा है, पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लो फिर सारे फैक्टर सेकंड में चेंज कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन,
के बाद क्वेश्चन नंबर 10। आज मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि 60 डिग्री से 45 डिग्री एंगल हो गया कितने समय में हुआ, याद करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे करवाना था। बस फर्क ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी 147 और मैंने आपको 60 मीटर पर सेकंड, सेम क्वेश्चन है। तो आज जो बोर्ड पे करवाया था ना अभी कि कितने समय में एंगल 60 से 45 हो जाएगा, तो पहले आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वेट करते हो, फिर वाई एक्सिस लेते हो, तो सेम क्वेश्चन रिपीट है, बस वैल्यूज डिफरेंट है, ट्राई करना। 11th क्वेश्चन में नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद सेम इनिशियल वेलोसिटी यू, गोलियां फेंकी गई विद द वेलोसिटी ऑफ यू, मैक्सिमम एरिया ऑफ ग्राउंड कवर्ड बाय द बुलेट्स इज व्हाट। अब आपको गोली को मैक्सिमम दूरी पे गिरनी है, 45 डिग्री पे गन चलाओ, रेंज मैक्सिमम रहेगी, फिर गोल 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 चलाओ, गोल गोल गोल, तो गोलियां बिल्कुल दूर दूर जाके, एरिया क्या होगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, और रेंज क्या होगी मैक्सिमम कितनी यूज करो, पाई आर स्क्वायर आंसर। समझ में आ रहा है कि वो एरिया कैसे कैलकुलेट। सर, हाँ जी, सर इसमें हमें पता है इस चले प्रोजेक्टर, इसमें जो हॉरिजॉन्टल वाले प्रोजेक्टर लेने हैं या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड वाले लेने हैं? ग्राउंड टू ग्राउंड, क्योंकि फिर टॉप ऑफ द टावर बोला ही नहीं, और आप अपनी हाइट नेग्लिजिबल लेंगे एज कंपेयर टू ग्राउंड। ओके सर। ठीक है, तो 12th है, स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द हॉरिजॉन्टल रीच द मैक्सिमम हाइट एच, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। देखो ये ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप हर ऑप्शन में एच की जगह मैक्सिमम हाइट की जगह वैल्यू पुट कर दो, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जिसको सॉल्व करके आंसर टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वलेंट आता है, 2v साइन थीटा बाई जी वो आंसर है। यहाँ पुट करके देख लेना, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सॉल्व करके आंसर 2v साइन थीटा बाई जी आएगा, बी आंसर है, सॉल्व नहीं करना है इसे। क्वेश्चन नंबर 13 कितने को डाउट है, कितना हो गया, क्या किया मैं, हाँ ट्रेजेक्टरी की क्वेश्चन लगाई, अच्छा ठीक किया। देखो एक स्टोन को आप फायर कर रहे हो और डी डिस्टेंस दूर एक हाइट एच पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको हिट करती हुई जाएगी, तो यानी कि एक्स एक्सिस की दूरी डी है और वाई एक्सिस की दूरी एच है, ऐसा टी टाइम में हुआ, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल घेरा गया, यू निकालना है आपको क्या होगा। जब भी क्वेश्चन में ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस गिवन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा अप्लाई करो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता है क्या थी, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, पर यहां पर वाई एक्सिस में क्या है एच, एक्स एक्सिस की जगह क्या है यहां पर डी, डी टेन साइन डी नहीं आएगा टेन आएगा, गलती है ये, तो यहां पर आएगा डी टेन थीटा, ऐसे ऐसे आएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी वैल्यू पुट करो, यहां से सिंप्लीफाई करके यू स्क्वायर से यू निकाल लेना, आंसर मैच कर देना, कुछ नहीं करना, ट्रेजेक्टरी में पुट करके एक्स और वाई को यू निकाल लो आंसर, बाकी तो मैथ है। समझ में आ रहा है यहां तक, अकुल अकुल ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर। ये क्वेश्चन नहीं करना अभी, 14th, इसमें मैक्सिमम मिनिमम लगेगा। और ये क्वेश्चन है, एक हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर और एच के वन है, कितने का हो गया ये, नहीं ठीक है। इफ अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, देखो हॉरिजॉन्टल में कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होती, इसमें वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन है, तो हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन s इज इक्वल टू vt नहीं लगाना, क्योंकि एक्सेलेरेशन है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा, नहीं तो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल में s इज इक्वल टू vt लगती है, इसमें नहीं लगाना। तो इसके अंदर क्या करना है, इसमें मैक्सिमम हाइट और रेंज का क्या होगा इस केस में, ये आपको बताना है। देखो बाकी वर्टिकल कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं है, क्या चीज चेंज हो रही है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलेरेशन है कितनी, g/4, तो वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो h था वो अभी भी क्या रहेगा h, तो हाइट में देयर इज नो चेंज, हाइट में देयर इज नो चेंज। रेंज में चेंज होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन रेंज में है, तो रेंज में क्या होगा, x एक्सिस में आप अप्लाई करेंगे s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो नई रेंज क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ इंटू g/4, क्योंकि एक्सेलेरेशन कितनी है g/4 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर,
टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ध्यान से देखें क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी ये रेंज है, और ये क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है। आंसर आर प्लस एच आएगा। यहां तक क्लियर है?